कि किंग खान, शाहरुख खान और उनका पूरा ही परिवार इस वक्त काफी बुरे दौर का सामना कर रहा है। वजह है शाहरुख की बेटी आर्यन खान। ड्रग्स मामले में आर्यन बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ड्रग्स मामले में आर्यन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात एनसीबी की टीम ने आर्यन को अपनी हिरासत में लिया था। वहीं आर्यन की जमानत याचिका को 2 बार खारिज किया जा चुका है। ऐसे में शाहरुख खान और गौरी खान तमाम कोशिशें कर रहे हैं अपने बेटे आर्यन को जेल से रिहा कराने के लिए। वहीं शाहरुख और गौरी ने अपने सभी काम को होल्ड पर कर दिया है। लगातार मन्नतें मांग रही हैं शाहरुख की पत्नी गौरी। वहीं उनकी बेटी सुहाना खान इस वक्त न्यूयॉर्क में है, अपने परिवार से दूर है, लेकिन फोन के जरिए अपनी माँ से जुड़ी हुई है। और अपने भाई आर्यन को लेकर सुहाना भी काफी ज्यादा चिंतित हैं। इसी बीच देखा जाए तो शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पर रोक भी लगा रखी है। बीते लंबे समय से शाहरुख खान अपनी फिल्म लॉयन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल तमिल निर्देशक एटली कुमार के साथ अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी चर्चा में है शाहरुख और इस फिल्म की शूटिंग को लेकर लगातार कई खबरें भी आ रही हैं। जहां एक और बीते कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि इस फिल्म में शाहरुख के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी, लेकिन अब नयनतारा इस फिल्म से दूरी बना चुकी हैं। जी हां, खबरें आ रही हैं कि नयनतारा ने एन मौके पर फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है और इसके पीछे की वजह है आर्यन खान ड्रग्स मामला। जी हां, नयनतारा ने फिल्म की शूटिंग के लिए अक्टूबर का टाइम दिया था, लेकिन इस वक्त शाहरुख अपनी बेटी के चलते विवादों में घिरे हुए हैं और विवाद के चलते फिल्मों से दूरी बना चुकी है नयनतारा और नयनतारा भी अपने शेड्यूल में बदलाव नहीं कर सकती हैं। इसलिए नयनतारा ने फिल्म से अपने हाथ भी पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि निर्देशक एटली कुमार ने नयनतारा की जगह अब एक्ट्रेस समांता प्रभु को अप्रोच किया है। जहां एक ओर समांता के फैंस के लिए ये बेहद बड़ी खुशखबरी है, वहीं दूसरी ही तरफ नयनतारा के फैंस के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। शाहरुख खान जो इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख को कई झटके मिल रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके घर उनसे मन्नत मिलने पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए आर्यन को सपोर्ट करते हुए भी देखे जा रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।